दोस्तों आजकल एक खबर की बहुत चर्चा है, वह है शबनम के बारे में, क्योंकि शबनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था और अब उसकी फांसी होने वाली है। शबनम ही अकेली ऐसी नहीं है जिसने ये काम किया है, और भी महिलाएं हैं जिन्होंने ऐसे काम किए हैं। दोस्तों दिलवाले फिल्म की एक शायरी है, मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था। ये कहावत इन औरतों के लिए एकदम सही है। दुनिया में परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है और परिवार की परिभाषा औरतों से शुरू होती है। कहते हैं कि एक औरत चाहे तो घर को जन्नत बना सकती है और चाहे तो जहन्नुम। भारत में भी कुछ ऐसी औरतें रही हैं जिन्होंने ऐसा करके दिखाया है, जिन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए पूरे परिवार का कत्ल कर दिया और वह आज जेल में है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही महिलाओं के बारे में जिन्होंने अपने प्यार के लिए अपनी पूरी फैमिली को ही खत्म कर दिया। दोस्तों आपका स्वागत है फैक्ट वन पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आपको नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। कितनी भी शिद्दत से तुम निभा लो, रिश्ते बदलने वाले तो एक दिन में बदल जाते हैं। नंबर 5, इंदौर में डबल मर्डर केस, 18 दिसंबर 2020। कहते हैं प्यार अंधा होता है और ये घटना इस कहावत को सही साबित करती है। मामला इंदौर का है। पुलिस कांस्टेबल ज्योति प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी को उनकी 17 साल की बेटी और उसके प्रेमी ने इसलिए मार दिया क्योंकि उस लड़की के माता पिता उसको प्रेमी से मिलने से रोकते थे। घटना से 2 दिन पहले ही लड़की के पिता ने लड़के से मिलने को मना किया था और लड़की को मारा भी था। यहीं से इन दोनों ने हत्या करने का विचार बनाया। उसका भाई बाहर गया हुआ था, उसी रात लड़की ने हत्या का प्लान बनाया और अपने प्रेमी को अपने घर बुला लिया। सुबह 4:30 पर लड़की अपने कुत्ते को लेकर बाहर चली गई, जिससे कुत्ता उसके प्रेमी को देखकर भौंके ना, और प्रेमी के अंदर जाने के बाद लड़की ने कुत्ते को गेट पर बांध दिया और वह भी घर के अंदर आ गई। लड़की और प्रेमी ने पहले लड़की की मां के चेहरे और गले पर चाकू से वार किए, जिसके बाद बगल में लेटे लड़की के पिता जाग जाते हैं, जिससे लड़के और उनमें हाथापाई होती है और चाकू पुलिस कांस्टेबल ज्योति प्रसाद शर्मा को लग जाता है और वह जमीन पर गिर जाते हैं। उसके बाद लड़के ने कई वार किए जिससे वह वहीं पर मर जाते हैं। हाथापाई होने के कारण शोर हुआ, उसको मैनेज करने के लिए लड़की गेट पर कुत्ते को टहलाने लगती है। जब पड़ोसी पूछते हैं तो उसने उनसे बोला कि दोनों लड़ रहे हैं। वापस आकर माता पिता को देखती है कि मरे या नहीं। जब दोनों संतुष्ट हो जाते हैं कि मर गए हैं तो चादर से ढककर दोनों तिजोरी में रखे रुपए लेकर मोटरसाइकिल से निकल जाते हैं। पुलिस को लड़की पर शक हुआ और पुलिस ने राजस्थान हाईवे से दोनों को गिरफ्तार कर लिया और वह अभी जेल में है, अपनी सजा काट रहे हैं। ये सुनकर आपकी भी रूह कांप गई होगी, लेकिन ये सच है। नंबर 4, रोहतक में 7 लोगों का मर्डर, 20 दिसंबर 2009। 19 साल की सोनम ने अपने प्रेमी नवीन के साथ मिलकर अपने परिवार के 7 सदस्यों को मार दिया। ये हत्याएं रोहतक से 15 किलोमीटर दूर काबुलपुरा गांव में की गई थी। परिवार में सिर्फ सोनम ही जिंदा बची, बाकी सारे लोगों की हत्या कर दी गई थी। पुलिस को सोनम पर शक हुआ। सोनम से कड़ाई से पूछताछ की गई तो वह टूट गई और उसने जो कहानी बताई वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोनम और उसके प्रेमी नवीन की शादी के लिए उसके परिवार के लोग राजी नहीं थे, जिसकी वजह से दोनों ने मिलकर ये हत्याएं की। रात को खाने में सोनम ने नशीला पदार्थ मिला दिया जिससे लोग बेहोश हो गए। उसके बाद सोनम और उसके प्रेमी नवीन ने गला दबाकर सारे लोगों को मार दिया। सोनम के परिवार में उसके पिता तादिर सिंह, भाई सुरेंद्र सिंह, 2 भाभी और 4 भतीजे थे जिनको सोनम ने मार दिया। सोनम का एक भाई सेना में था तो वह बच गया। प्यार इतना खतरनाक हो सकता है आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिसने अपनों को ही कब्र तक पहुंचा दिया। नंबर 3, बदायूं मर्डर केस, 5 सितंबर 2016। इसमें प्रेमिका प्रीति और प्रेमी सोनू ने मिलकर 5 लोगों को मार दिया और कारण ये बताया कि परिवार वाले शादी को राजी नहीं थे। हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। प्रीति और सोनू कई सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे। सोनू पहले से शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे, जिसके कारण ही प्रीति के परिवार के लोग सोनू से दूर रहने को कहते थे। कहते हैं जब प्यार चरम पर होता है तो दुनिया ही दुश्मन लगने लगती है। इस सब से तंग आकर इन दोनों ने परिवार को ही खत्म करने का प्लान बना लिया और मौका तब मिला जब प्रीति का परिवार बदायूं के एक दरगाह जाने को तैयार हुआ। प्रीति के पिता ने जाने के लिए एक कार की जिसका ड्राइवर ओमपाल था और बदायूं के लिए निकल पड़े। पीछे से सोनू भी बदायूं पहुंच गया। प्रीति के परिवार से उसके माता पिता, भाई भाभी, चाचा और एक बहन तथा गांव का एक तांत्रिक सलीम था। जब सारे लोग चादर चढ़ाकर दरगाह से निकले तो प्रीति ने एक जगह कोल्ड ड्रिंक ली जिसमें 30 बेहोशी की गोलियां मिलाई और सबको पीने को दिया। सबने पी लेकिन प्रीति की भाभी ने नहीं पी, जिससे वह बच गई। पीने के बाद प्रीति के भैया, भाभी और चाचा वहां से किसी काम से चले गए, जो आगे जाके रास्ते में बेहोश हो गए। इधर जब ये लोग बेहोश हो गए तो गाड़ी सोनू ने चलाई और एक नहर के पास आकर रोक दी। प्रीति और सोनू ने गाड़ी को नहर में ढकेल दिया। उस समय गाड़ी में प्रीति के माता पिता, एक बहन, ड्राइवर ओमकार और तांत्रिक सलीम था। इन लोगों की लाश अगले दिन मिली। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। नंबर 2,
बेंगलुरु मर्डर केस 18 अगस्त 2019। एक बेटी ने अपने पिता को इसलिए मार दिया क्योंकि वह अपने बॉयफ्रेंड से चैटिंग करती थी। उसके पिता को यह पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपने पिता को ही मार दिया। आप जान के हैरान हो जाएंगे, उस लड़की की उम्र मात्र 15 साल है और उसने अपने पिता को मारने का कोई पछतावा नहीं है। लड़की एक महीने से अपने पिता को मारने के तरीके इंटरनेट और टीवी पर देख रही थी। इसके लिए उसने नींद की गोलियां भी खरीद ली जो उसने अपने स्कूल के बैग में रख ली, पर मौका नहीं मिल रहा था। 18 अगस्त को लड़की की माँ और भाई एक पारिवारिक कार्यक्रम के लिए बाहर गए हुए थे। उस रात उसने अपने पिता को खाने में नींद की गोलियां दे दी। सोने के बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया और अपने पिता जय कुमार पर चाकू से कई वार किए जिससे उनकी मौत हो गई। मरने के बाद कपड़ों से खून साफ किया के बाद पिता की लाश बाथरूम में ले गई और आग लगा दी। बाद में शोर मचाया जब पड़ोसी आए तो बताया कि पापा नहाने गए थे और बाथरूम में आग लग गई। इस घटना के बारे में मैं अब क्या कहूँ। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तब उसने माना कि उसने अपने पिता की हत्या की। नंबर एक, शबनम केस 15 अप्रैल 2008। अब हम बात करेंगे शबनम की, जिसकी चर्चा अभी बहुत तेज है। शबनम भारत की पहली महिला होगी जिसे फांसी दी जा सकती है, इसलिए बहुत चर्चा की खबर है। मैं तो कहता हूँ होनी भी चाहिए। शबनम ने अंग्रेजी और भूगोल विषय से एमए किया था। उसके परिवार के पास काफी जमीन थी जिससे उसका परिवार बहुत समृद्ध परिवार था। शबनम को एक लड़के से प्यार था जिसका नाम सलीम था और वह मजदूरी करता था, इसलिए परिवार को उससे शादी करने से परेशानी थी और परिवार वाले उन दोनों के प्यार के बीच में आ रहे थे। 14 और 15 अप्रैल की रात को शबनम ने परिवार वालों के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया जिससे सारे लोग बेहोश हो गए। उसके बाद उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर परिवार के 6 लोगों के गले कुल्हाड़ी से काट दी और अपने 11 महीने के भतीजे की गला दबाकर हत्या कर दी। 11 महीने के भतीजे का गला खुद शबनम ने दबाया था। पुलिस को शबनम के मोबाइल की कॉल डिटेल से शक हुआ, जिसके बाद कड़ाई से पूछताछ पर भी उसने नहीं कबूला, लेकिन उसका प्रेमी पुलिस के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाया और उसने कबूल कर लिया, जिसके बाद शबनम ने भी कबूल किया और 3 अगस्त 2010 को अमरोहा की कोर्ट ने शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुनाई। इस घटना के समय शबनम 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसके बेटे को सैफ नामक व्यक्ति ने गोद लिया था, वह आज भी उसी के पास है। तो ये थे भारत की वह औरतें जिन्होंने अपने परिवार के खून से होली खेली और उनको हमेशा के लिए सुला दिया। इन सब घटनाओं के बारे में जानकर मेरा मन बहुत दुखी है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।